गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट, आज हम आपको पढ़ाएंगे विशेषण। विशेषण क्या होता है? जैसे पहले हम पढ़ते हैं संज्ञा। संज्ञा क्या होती है? किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान या मन के भावों को संज्ञा कहते हैं। संज्ञा की विशेषता बताने या संज्ञा के स्थान पर काम आने वाले शब्दों को सर्वनाम कहते हैं और संज्ञा और सर्वनाम की विशेषता बताने वाले शब्दों को विशेषण कहते हैं। ये देखिए इसकी परिभाषा। जो शब्द संज्ञा अथवा सर्वनाम की विशेषता बताते हैं वो विशेषण कहलाते हैं। जैसे संज्ञा क्या है यहाँ? हाथी। हाथी एक बड़ा जानवर है, तो बड़ा क्या हो गया यहाँ? इसकी विशेषता। मोर सुंदर पक्षी है, मोर संज्ञा है और सुंदर उसकी विशेषता हो गई। यह मेज गोल है, तो मेज कैसी है? गोल, गोल उसकी विशेषता हो गई। हम इस तरह से इसको देखेंगे कि विशेषण के भेद, विशेषण के चार भेद होते हैं: गुणवाचक विशेषण, संख्यावाचक विशेषण, परिमाणवाचक विशेषण और सार्वनामिक विशेषण। गुणवाचक में जिसके गुण दोष जैसे अच्छा, बुरा, छोटा, लंबा, ऊंचा, मोटा, पतला, ये सब उसमें गुणवाचक विशेषण में आएंगे। संख्यावाचक विशेषण, इसमें संख्या का पता लगता है, निश्चित संख्या का, 2, 4, 6, 8। और एक होता है इसका अनिश्चित संख्यावाचक। ऐसे ही देखेंगे थर्ड वाला हम, परिमाणवाचक विशेषण। परिमाण में होता है नापने तोलने की मात्रा का बोध, जैसे 5 लीटर दूध, 1 दर्जन केले। इसमें भी दो भेद होते हैं इसके, एक तो निश्चित परिमाण और एक अनिश्चित परिमाणवाचक। अनिश्चित में निश्चित नहीं होता है, जैसे कुछ ग्राम, थोड़ी चीनी, बहुत से पैसे, इस तरह से होते हैं अनिश्चित परिमाणवाचक। सार्वनामिक में क्या होता है? सार्वनामिक जो सर्वनाम शब्द संज्ञा से पहले आकर उसकी विशेषता बताते हैं, जैसे संज्ञा क्या है? फल, और उससे पहले क्या आया है यहाँ? यह है। तो ये हो गया सार्वनामिक विशेषण। विशेषण शब्दों की रचना, जैसे ये देखो, देश देशी, विदेश विदेशी, इस तरह से हमने सर्वनाम की थोड़ी सी जानकारी ली है। अब मैं उसका आपको क्वेश्चन आंसर्स भेज रही हूँ, वो आप अपनी नोटबुक में कर लीजिए। ध्यानपूर्वक इसको एक बार पढ़ लीजिए अपनी बुक में से विशेषण को, और उसके बाद आप अपनी नोटबुक में जो मैं क्वेश्चन आंसर्स भेज रही हूँ उनको कर लीजिए। धन्यवाद।